हाय गाइस, वेलकम टू पायल्स पैशन। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट रसमलाई चॉकलेट। इस चॉकलेट का टेस्ट बहुत ही अलग होता है। जब हम देसी रसमलाई के फ्लेवर को रिच व्हाइट चॉकलेट और ड्राई फ्रूट के साथ ब्लेंड करेंगे तो जो फ्यूजन चॉकलेट तैयार होगी उसका स्वाद लाजवाब होगा। और क्योंकि मैंने इंस्टेंट कहा है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट। मैंने यहाँ अमूल का व्हाइट चॉकलेट यूज किया है, आप अपनी चॉइस का ब्रांड यूज कर सकते हैं। 1/2 कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 10 से 15 धागे केसर के, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, रसमलाई एसेंस और एडिबल येलो फूड कलर। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में 1 कप मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट डालेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 कप मोटे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 10 से 15 धागे केसर के और 4-5 ड्रॉप्स रसमलाई एसेंस की। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा रसमलाई चॉकलेट मिक्सचर। इसे रसमलाई का कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे एडिबल येलो फूड कलर की 1 से 2 ड्रॉप्स। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा चॉकलेट मिक्सचर हल्के पीले रंग का हो जाए। हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल तैयार है। चलिए इन्हें मोल में सेट करने की तैयारी करते हैं। चॉकलेट सेट करने के लिए हम कोई भी मोल ले सकते हैं। मैंने यहाँ आइस ट्रे ली है क्योंकि मुझे इन्हें काजू रोल वाला लुक देना है। अब हम स्पून से चॉकलेट और ड्राई फ्रूट मिक्सचर को मोल्ड की कैविटीज में फिल करेंगे। इनको एक एक करके प्रॉपरली फिल करने के बाद हम बैक ऑफ द स्पून से हल्का सा प्रेशर देते हुए प्रेस करेंगे ताकि चॉकलेट मोल्ड में अच्छे से फिल हो जाए और कोई एयर गैप्स भी ना रहें। स्पून से चॉकलेट को सेट करने के बाद एक बटर नाइफ से चॉकलेट को ऊपर से स्मूद आउट कर लेंगे। अब हम इसे फ्रिज में 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। हम चॉकलेट्स को फ्रीजर में भी सेट कर सकते हैं, पर कई बार फ्रीजर में मॉइस्चर होने के कारण चॉकलेट्स में क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्ट और लुक दोनों खराब हो सकते हैं। बीस मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमारे रसमलाई चॉकलेट्स सेट हो गए हैं। मैंने यहाँ आइस ट्रे यूज की है। यूजुअली चॉकलेट मोल्ड सिलिकॉन के होते हैं, जिन्हें बस हल्का सा नीचे से प्रेस करना होता है चॉकलेट्स डिमोल्ड करने के लिए। आइए इन्हें डिमोल्ड करते हैं। चॉकलेट्स डिमोल्ड करने के लिए हम ट्रे को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से चॉकलेट्स को मोल्ड में से निकाल लेंगे। चॉकलेट्स को मोल्ड में से निकालने के बाद जो साइड्स में एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे कुछ इस तरीके से हटा देंगे। देखिए कितना शानदार लुक आया है। ऐसे ही हम एक एक करके सारे चॉकलेट्स डीमोल्ड कर लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारे इंस्टेंट रसमलाई चॉकलेट्स। ये चॉकलेट्स आप भी खाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी खिलाइए। और दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर पर गिफ्ट करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।